हंसना तनाव की निःशुल्क दवा है। नमस्कार दोस्तों, इंस्टेंस फीवर चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए हंसना और हंसाना। आपको पहले से ही पता है कि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, तो चलो फिर आइए आप और हम सब मिलकर थोड़ थोड़ा हंस लें। बैंक में खाता है? ना रे बाबा ना, मैं तो घर पर ही खाता हूँ। एक गांव के लड़के को फांसी होने वाली थी, जज ने पूछी आखिरी इच्छा। लड़के ने कहा मेरी जगह तू लटक जा। चाहे कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, लेकिन कुत्ता अगर पीछे पड़ जाए तो हट हट ही करना पड़ेगा। एक्यूज मी से वह नहीं भागता। अगर मेरी पोस्ट पर कोई कमेंट नहीं करता तो जरूरी नहीं कि वो घमंडी हो, हो सकता है अनपढ़ हो। जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में सिर्फ मोबाइल है। चार्ज कीजिए और चलाते रहिए। एक होनहार छात्र से किसी ने पूछा कि कितने बजे सोते हो? छात्र बोला किताब उठा लूं तो 9 बजे और फोन उठा लूं तो 2 बजे। जब बीवी डांटना शुरू करे तो उसकी सेल्फी लेना शुरू कर दो, वो डांटना भूलकर स्माइल करने लग जाएगी। आज का ज्ञान समाप्त। युद्ध नहीं प्रेम करो, और अगर दोनों करने हैं तो विवाह करो। अगर खाली बैठे हो तो एक बात बताओ, ऑनलाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमेंट में लिखिए। रात को मेरे परदादा जी का फोन आया था, कह रहे थे कि जितने पाप करने हैं कर लो, नरक में जगह ही नहीं है, हम खुद दीवार पर बैठे हैं। विनोद जस से बोलता है, सर मुझे अपनी पत्नी से हमेशा के लिए तलाक लेना है। जज, तलाक लेने की कोई खास वजह बताओ। विनोद, सर ये मुझे जूते चप्पल और बर्तन फेंक कर मारती है। जज, ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है, अभी से या पहले से? विनोद, जज साहब पहले से ही हो रहा है। जज, तो इतने सालों बाद क्यों तलाक ले रहे हो? विनोद, क्योंकि साहब इसका निशाना अब पक्का हो गया है। पत्नी मायके से वापस आई, पति दरवाजा खोलते हुए हंसने लगा। पत्नी, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पति, गुरुजी ने कहा था कि जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका सामना हंसते हुए करो। यार तेरी बीवी तो बहुत बोलती थी, शांत कैसे हो गई? दिमाग से काम लिया है मैंने। कैसे? उसे गुटखा खाना सिखा दिया।
मंदिर में भी सब कुछ स्त्री के नाम का ही होता है, जैसे आरती, ज्योति, पूजा, वंदना, अर्चना, साधना, पुष्पांजलि। और पुरुष के नाम का एक ही होता है, वो है घंटा, जिसे कोई भी बजा के चला जाता है। बिहारी अमेजन वाले से बोला, बिहारी ऑर्डर काहे नहीं पहुंचाया अबे? अमेजन वाला, देखिए सर, पहले तो आप नर्मता से बात कीजिए। बिहारी, हाँ तो कराओ। अमेजन वाला, मेरा मतलब है शांति से बात कीजिए। बिहारी, हाँ तो दोनों से करवाओ, हम डरते हैं कावे। एक पति ने अपनी पत्नी को दिल की बात बताई, कहा तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। पत्नी बोली, कौन सा फायदा? पति बोला, मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई।